वीडियो में आपको जो तस्वीर दिख रही है, शायद पहली नज़र में आपको यह कुछ खास ना दिखे, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं जो ज़िंदगी के कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए, आप जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को जानने वाले मुट्ठी भर लोगों में से एक होंगे। इस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट कहते हैं। यह पृथ्वी की एक तस्वीर है जो 14 फरवरी 1990 को वायजर एक अंतरिक्ष शोधयान द्वारा 6 अरब किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी से ली गई थी। इस तस्वीर में पृथ्वी का कोणीय व्यास 1 पिक्सल से भी कम है। आपको बता दें, इस तस्वीर को कार्ल सैगन के अनुरोध पर खींचा गया था। अपनी 1994 की पुस्तक पेल ब्लू डॉट में कार्ल सैगन ने इस तस्वीर के महत्व को समझाते हुए लिखा, उस बिंदु पर फिर से नज़र डालो। यह हमारा घर है, हमारी धरती है। हर इंसान जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम जानते हो, जिसके बारे में तुमने सुना है, वह जो कभी पैदा हुआ है, उसने इसी बिंदु पर पूरा जीवन बिताया। हमारे सारे सुख दुख, हजारों धर्म और मान्यताएं, हर एक शिकारी, जांबाज और कायर, हर राजा और किसान, प्रेम में डूबा हर जवान जोड़ा, हर माता पिता, उम्मीदों से भरा हुआ हर बच्चा और वैज्ञानिक, पढ़ाने वाला हर शिक्षक, हर भ्रष्ट नेता, हर सुपरस्टार, हमारे इतिहास का हर संत और पापी वहीं जिया, सूर्य की एक किरण में तैरते हुए उस धूल के कण पर। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक बहुत ही छोटी जगह है। अनगिनत इंसानों के उन हत्याओं के बारे में सोचो जो उन सेनापतियों और सहनशाओं ने की, ताकि अपनी शान और जीत में वे इस बिंदु के किसी छोटे से हिस्से में कुछ पलों के लिए मालिक बन सकें। उन अनगिनत अत्याचारों के बारे में सोचो जो इस बिंदु के एक कोने में रहने वाले लोगों ने किसी दूसरे कोने पर रहने वाले अपने ही जैसे लोगों पर किए। हमारी कितनी गलत फहमियाँ हैं, एक दूसरे को मार डालने का कितना उतावलापन है, दूसरे इंसानों के प्रति कितनी नफरत है, हम इंसानों के ढकोसले, हमारा घमंड, हमारा यह भ्रम कि समूचे ब्रह्मांड में हम लोगों का एक खास स्थान है। इन तमाम बातों को यह धुंधला प्रकाश बिंदु चुनौती देता है। हमारा ग्रह ब्रह्मांड के इस घने अंधेरे में छोटा सा अकेला धब्बा है। ब्रह्मांड की इस विशालता में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हमारी दुनिया को हमारी बुराइयों से बचाने के लिए दूसरे ग्रह से कोई आएगा। अभी तक ज्ञात ग्रहों में केवल पृथ्वी ही है जिसमें जीवन है। ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ निकट भविष्य में हम रह सकें। शायद हम दूसरे ग्रहों को देखने तो जा पाएं, पर वहाँ बसना फिलहाल हमारी पहुँच से बाहर है। हमें अच्छा लगे ना लगे, पर अभी के लिए केवल पृथ्वी ही वह जगह है जहाँ हम रह सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि खगोल विज्ञान एक विनम्र करने वाला और बेहतर इंसान बनाने वाला अनुभव होता है। हमारे घमंडों की मूर्खता का हमारी इस छोटी सी दुनिया की इस तस्वीर से बेहतर शायद ही कोई और सबूत हो। यह मुझे एक दूसरे के प्रति और अधिक दयालु होने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है, और हमारे इस धुंधले नीले धब्बे को बचाने और संवारने की भी, जो हमारा एकमात्र घर है। अब हमें सोचना है, अगर पृथ्वी इतनी छोटी है तो हम कितने बड़े होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें